मेरा धर्म है। मैं भी सही, तुम भी सही, ये भी सही, वो भी सही। इतना शर्त है न मांग है, चाहे जान ले अभिमान से। न स्वार्थ है सम्मान का, अभिलाष न वरदान का। विषय है कर्तव्य का, ये विषय है कर्तव्य बोध का। ये हम लोग कर्तव्य है, ये हम लोग समाज में एक अच्छा माहौल है, एक शिक्षित समाज में, एक स्वस्थ समाज में। तो जैसे अभी हमारे भाई दिनेश जी ने बताया है कि हमारे जो महापुरुष हुए हैं वो अपने कर्तव्यों के ही कारण हुए हैं। अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि कुर्सी वाली बात, हमारे कर्तव्य मजबूत हैं, हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे कर्तव्य सही ढंग से हैं तो कुर्सी तो आती जाती रहती है। एक कुर्सी है, दो कुर्सी है, तीन कुर्सी, कुर्सी की लड़ाई नहीं होती है, तो कर्तव्यों से होता है। आप पात्र बनिए, हम लोग पात्र बने, अपने छात्रों को पात्र बनाए, अपने समाज को पात्र बनाए, तो कुर्सियां तो अपने आप ही हमको मिल जाएंगे। हम लोग ऐसे सेवा भाव से हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा में सारे कर्तव्य होते हैं। जहाँ पर जिसका हो, जैसे हमारे अभी पत्रकार बंधु अवस्थी जी हैं, सेवाकांत अवस्थी जी हैं, अब आप देखिए कर्तव्य कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो इनको कोई रोक सकता है? ये भी आज हमारे ब्लॉक के हैं, महाराज के हैं, विधानसभा के हैं, ये जिले में जाएंगे, प्रदेश में जाएंगे, ये आप कर्तव्य कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग कर्तव्य कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य, हम आज प्रमुख हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे ब्लॉक में जो भी जन समस्या है, जो भी हमारे क्षेत्र का विकास हो, जो भी हमारा कार्य हो, उसको हम लोग समय से पूरा करते रहें। और बाकी तो हमारे गुरु जी यहाँ को ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम आपसे सीखने आए हैं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। बस मैं यही आपसे उम्मीद रखता हूँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि समय समय पे आप का आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो हम लोग अपने अपने कर्तव्य डटे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। यादगार बनाने के लिए हम अपने आए हुए अतिथियों को प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। माननीय श्री शरद सिंह जी उपाध्यक्ष, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसके साथ हम लोग सामने दिखेगा।